दोस्तों आपका चिंता करना बिल्कुल स्वाभाविक है और ऐसा क्यों क्योंकि अनिल देशमुख फरार हो चुके हैं जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने आज ईडी उनके घर पहुंची थी लेकिन वो अपने ना ही सरकारी बंगले में उपस्थित थे और ना ही अपने नागपुर वाले आवास में तो ईडी ने उनको ईमेल किया है आज उनको समन भेजा गया है ईमेल के द्वारा समन भेजा और कहा है कि अगले सप्ताह मंडे को उन्हें उपस्थित होना पड़ेगा ईडी के दफ्तर में उनके बेटे ऋषिकेश को नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूजडे को उपस्थित होना पड़ेगा अब समझने वाली चीज यह है कि दो समन पिछले अनिल देशमुख पहले ही स्किप कर चुके हैं पिछले में वो गए नहीं वहां पे वकीलों को भेज दिया दूसरे में उन्होंने वकीलों के द्वारा चिट्ठी भिजवा दी और उसमें यह अपील की कि भाई मुझसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सवाल जवाब कर लिया जाए अभी हम शरद पवार की भी बात करेंगे कि क्यों अब उन्हें डर लगने लगा है कि अनिल देशमुख उनके लिए घातक हो सकते हैं इस पर बात करेंगे उससे पहले इस चीज को समझिए कि यहां पर अनिल देशमुख ने चिट्ठी भिजवा दी और बोलते हैं कि आप हमसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवाल जवाब कर लीजिए लेकिन ईडी ने यह कहा कि भाई आपके पास अधिकार नहीं है कि जो सस्पेक्ट व्यक्ति है वही हमसे कहे कि सवाल जवाब किस तरह से होने चाहिए यह इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के ऊपर है कि वो किस तरह से इस केस को जांच करना चाहे और ईडी ने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई आपको उपस्थित ही होना पड़ेगा आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवाल जवाब नहीं होने मिल दी जाएगी जबकि अनिल देशमुख ये तर्क देते हैं कि जब जज साहब जब कोर्ट कैदियों से अगर सवाल जवाब कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तो मेरी तो उम्र हो चुकी है अब भाई मेरे को इतनी बीमारियां हो चुकी है कोरोना इतना चल रहा है और ऐसे में तो मेरे को राहत मिलनी चाहिए ये बहुत कॉमन चीज है है देख लो जो भी व्यक्ति है, जब तक राजनीति में बैठा है है तब तक एक सही है। वर्ष तक सही वर्ष ये बैठ के खा रहे थे वसूली कर रहे थे तब तक इनको कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन जैसे ही ईडी ने इनको घेर लिया तो वैसे ही क्या हो गया इनको बीमारियां सूझने लगी इनको अपनी उम्र याद आ गई और इनको लगा अब तो भैया भजन करने की उम्र है अब ईडी के सामने सवाल जवाब नहीं कर सकते लेकिन अब यह बिल्कुल तय है कि 99 नाइन परसेंट यह गिरफ्तार होंगे अब आ, अब देखो तीसरा समन भेजा है अगले सप्ताह अगर ये नहीं जाते हैं तो इनको ईडी गिरफ्तार कर लेगी और अगर ये जाते हैं तो इनसे सवाल जवाब के बाद इनकी गिरफ्तारी हो सकती है तो अनिल देशमुख के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो चुकी है लेकिन अनिल देशमुख से ज्यादा दिक्कत शरद पवार के लिए क्यों हुई है यह समझने का विषय शरद पवार को क्यों डर लगने लगा है क्यों सताने लगा है कि परमवीर सिंह जिस तरह से पलटे परमवीर सिंह ने जिस तरह से उगल दिया सचिन वाजे ने जिस तरह से गिरफ्तार होने के बाद चीजें उगल दी कहीं अनिल अनिल उगल 100 करोड़ वसूली और ईडी कह रहा है 50 करोड़ तो भैया ट्रांजैक्शन मिल चुके हैं इनकी जो इन्होंने क्या किया ये हवाला से पैसा लेता था इनका बेटे बेटे के माध्यम से सारी चीजें करवा रहे थे पैसा लेते थे उसको व्हाइट मनी करते थे और इन्होंने जो अपने ट्रस्ट खोल रखे उसमें पैसा घुमाते थे और कितनी तो शैल कंपनियां मतलब फर्जी कंपनियां खोल रखी है जिसमें ये पैसा जो धरती पे पे कंपनी है ही नहीं लेकिन सिर्फ पेपर पे कागजी कंपनियां जो भाई कुछ करती नहीं है कुछ काम नहीं और वहां पे पैसा घुमा के उसको वाइट करने का काम कर रहे थे तो अनिल देशमुख को पचास करोड़ का तो ईडी ने कह दिया है तो इनकी तो देखो गिरफ्तारी तय है आप मान के चलो इनकी बहुत बुरी हालत होने वाली है और हो सकता है भाई इनका बेटा भी गिरफ्तार हो जाए अब अब समझने वाली बात है शरद पवार को क्यों कष्ट हो रहा है शरद पवार क्यों बौखला रहे क्यों कि आपने देखा, पहले राउत इनसे मिलते हैं गया। क्या संदेशा है, आपको बताना आवश्यक नहीं है लेकिन इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि जो भी था उद्धव ठाकरे का मैसेज था उसके बाद शरद पवार उद्धव ठाकरे से मिलते हैं जहां पर गृह मंत्री थे यही नए पुलिस कमिश्नर थे एक मंत्री और थे ये सब क्या दर्शाता है कि भाई एक इस तरह की मीटिंग हाई लेवल मीटिंग जिसमें शरद पवार का पहुंचना उनको एक डर सताने लगा है कि अनिल देशमुख जिस तरह से घेरे जा चुके हैं ईडी के द्वारा अब ये उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत का विषय है क्योंकि ये गिरफ्तार होंगे तो शरद पवार ही वो व्यक्ति था पहली चीज जो बैठ के दो दिन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अनिल देशमुख को बचा रहा था जिसमें बोल रहे थे कि भाई अनिल देशमुख तो बिल्कुल क्लीन है इनको तो कोरोना हो रखा था वसूली का सारा झूठा आरोप लगाया गया है परमबीर के द्वारा लेकिन अगर ईडी इनको गिरफ्तार करती है तो यही जो सौ करोड़ की वसूली करी जा रही है जो पूरा रैकेट चल रहा है अकेला अनिल देशमुख तो हजम कर नहीं रहा है यह अकेला अनिल देशमुख तो सौ करोड़ पचा नहीं सकता तो आखिर यह कहां तक जा रहा है कौन है वो आका जिसके लिए अनिल देशमुख ने कहा था सचिन वाजे को कि भाई आदेश आया ऊपर से तो ये आदेश देने वाले कौन है दादा अब उनको डर सताने लगा है अब उनको लगने लगा है कि अनिल देशमुख फंसेगा तो यह ईडी के सामने सीबीआई के सामने बहुत कुछ उगल सकता है और इसको बचाना बहुत आवश्यक है तो ये धरना देंगे ये अपनी हर संभव कोशिश करेंगे कि यहां पे जो एमवीए सरकार के बीच में दिक्कत हो चुकी है ये एक साथ हैलमेल मिला के पे एक दूसरे को बचाएं एक साथ महाराष्ट्र में ये जो सेंट्रल एजेंसी ये पूरी जांच कर रही है तो केंद्र सरकार को घेरा जाए अब इनके सामने यही रास्ता रहता है और इसी के अंतर्गत ये यहां पे केस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इस केस को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे प्रताप सरनाइक ने चिट्ठी लिखी थी तो ये सारी चीजें क्लियर दर्शाती है कि यहां इनके आपसी मतभेद हो चुके हैं बहुत से मंत्री इनके एम एल वही बोल रहे हैं कि हम अब समर्थन नहीं देना चाहते हैं। दिक्कत बहुत ज्यादा है और यहाँ पे उद्धव ठाकरे सरकार शरद पवार दोनों के लिए मुसीबतें बन चुकी है बढ़ चुकी है और यहाँ पे अनिल देशमुख की गिरफ्तारी लगभग है और अनिल परब और अजीत पवार भी आपको बहुत जल्द नाम सुनने को मिल जाएंगे कि भाई ये ईडी की जांच से जो हमारा आपका पैसा है जो ये मंत्री लोग बैठ के हजम करते हैं फाइनली ये ईडी अगर इसे निकाल पाती है और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी होती है क्योंकि ये निकल पाना है भाई इनको पूरा निचोड़ देना क्योंकि देखो एक चीज है हर बार मैंने एक चीज कही है, गिरफ्तार होंगे बेल मिल जाएगी और उसके बाद बेल देखो एक लेवल पर अगर बेल नहीं भी मिलती है तो लालू प्रसाद यादव आपको ध्यान होगा जेल में जाके भी हॉस्पिटल चले गए और अनिल देशमुख तो अभी से ही बीमारी का नाटक करने लगे हॉस्पिटल चले जाएंगे उसके बाद फाइव स्टार फैसिलिटीज हॉस्पिटल में मिल जाएगी समय काट देंगे तो ईडी इनका पैसा निचोड़े और फिर उसके बाद इनको गिरफ्तार करे तब आराम है तो पैसा सारा निकल जाना चाहिए आपका आम जनता का पैसा है वो तो गाइज इस वीडियो में इतना ही है इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे को फेसबुक ट्विटर इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं जय हिंद